हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार साइंस का क्वेश्चन कराया जा रहा है। टारगेट 2500 क्वेश्चन का है, जिसमें से 400 क्वेश्चन करा चुके हैं फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का। अभी केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है, तो इसके 30 क्वेश्चन को देखेंगे। आपको करना क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कमेंट में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, पोटाशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और एल्युमिनियम का 13 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। तो पूछा है क्लोरीन की तुलना में अधिक, तो जो सही आंसर हो जाएगा पोटाशियम जो है, क्लोरीन की परमाणु संख्या से पोटाशियम का परमाणु संख्या अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से उसी प्रकार का सवाल है, निम्नलिखित तत्व में किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम का 11 होता है और एल्युमिनियम का जो है 13 होता है। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम से अधिक जो है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? जो ऋणावेशित परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्व के परमाणु संख्या से कम होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23, यूँ परमाणुविक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए, परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को जो है द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। तो जिसमें जिस परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उसमें उतना इलेक्ट्रॉन होना निश्चित है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये दोनों मिलकर जो है परमाणु संख्या जो है उदासीन बनाता है परमाणु को। तो जिसमें जितना प्रोटॉन होगा उसमें उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो होगा ही, तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो है परमाणु संख्या जो है, जितना परमाणु संख्या जितना प्रोटॉन उसमें उतना इलेक्ट्रॉन, और द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, तो 23 जो है, तो ये 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन का योग जो है 23 मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो जैसा कि आपको बताया कि जो है परमाणु संख्या किसी का इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या पूछा है जिसमें 10 प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन सिर्फ परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, तो प्रोटॉन जो है उसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा है। अगर परमाणु द्रव्यमान पूछता तो 21 हो जाता, तो अभी सिर्फ परमाणु संख्या पूछा है इसीलिए सिर्फ प्रोटॉन की संख्या यानी कि 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है,
तो कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है और द्रव्यमान संख्या 12 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं, और परमाणु संख्या निकालने के लिए सिर्फ प्रोटॉन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोहा के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो जानते हैं लोहा जो है परमाणु संख्या इसका 26 होता है, अर्थात ये परमाणु प्रोटॉन की संख्या भी 26 होगा, लेकिन Fe2+ का अर्थात है कि यह इलेक्ट्रो 2 इलेक्ट्रॉन को खो चुका है, अर्थात इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कोणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है, मेसॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है कणीय तरंग की द्वि प्रकृति इसमें पाई जाती है। कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है ये आपको बताना है, 5, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, कौन कौन, एक एन, एल, एम और एस, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। चक्रण क्वांटम संख्या कितना मान संभव है ये आपको बताना है, 2, 3, 4, 5। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो संभव है इस तरह जो लिखते हैं हम लोग, तो चक्रण जो संभव है वो अधिकतम संख्या 2 ही संभव है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं, समदाभिक, समवायवी, समन्यूट्रिक, समस्थानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक उसे बोलेंगे जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान अर्थात परमाणु संख्या समान, तो उसे हम समस्थानिक बोलेंगे, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न अर्थात द्रव्यमान संख्या अलग, तो जिसमें परमाणु संख्या समान परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न उसे समस्थानिक बोलेंगे, और समदाभिक जिसे बोलेंगे जिसमें समभारिक जो होता है एक ठो वो परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, और समन्यूट्रिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन जो है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या सॉरी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, तो उसे समन्यूट्रिक बोलेंगे। 2 परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो आपको बताना है 2 परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो ये एकदम सही है, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न है तो जैसा कि अभी बताया उसे समस्थानिक बोलेंगे, बाद बाकी ये सारा गलत है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न ये तो नहीं हो सकता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान ये भी नहीं हो सकता, ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा समभारिक के संबंध में सही है, तो आपको बताना है समस्थानिक तथा समभारिक दोनों में सही कौन सा है। समस्थानिक में समान द्रव्यमान संख्या होती है, समान द्रव्यमान संख्या नहीं होती है, समस्थानिक में समान परमाणु संख्या होती है, इसीलिए यह गलत हो गया। संभारिक का समान परमाणु संख्या संभारिक है, तो संभारिक में समान द्रव्यमान संख्या होती है ना कि परमाणु संख्या, तो यह भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान का अंतर के कारण होता है, तो किसी भी जो तत्व के समस्थानिक के अणु में द्रव्यमान का जो अंतर होता है किसके कारण होता है। जैसा कि आपको बताया द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो उनके जो है किसमें अंतर होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या पे, तो उनके नाभिक में प्रोटॉन के अलग अलग संख्या पर, यह गलत है, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन के अलग अलग संख्या के कारण किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या में अंतर होता है, अर्थात ये सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का तो कोई संबंध नहीं है, संयोजकता का भी कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप
आइसोटोप मतलब समस्थानिक होता है, इंग्लिश में इसे आइसोटोप बोलते हैं। समान तत्व के सभी आइसोटोप क्या होते हैं ये आपको बताना है। परमाणु क्रमांक, भिन्न परमाणु क्रमांक, भिन्न परमाणुविक संयुक्ति, गलत हो गया, भिन्न परमाणुविक क्रमांक। तो आइसोटोप में जो है क्या होता है, समान परमाणु संख्या लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न, तो भिन्न परमाणु क्रमांक ये भी तो नहीं होगा। तो 45 नंबर का क्या हो जाएगा, एक जैसी परमाणुविक क्रमांक, यानी एक ही परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक, किंतु परमाणु भार जो है अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु का की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोमर। तो जैसे कि बताया परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, तो उसे हम लोग इंग्लिश में आइसोबार और हिंदी में संभारिक बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोबार। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोप का रासायनिक गुण है, आइसोटोप मतलब समस्थानिक का रासायनिक गुण आपको बताना है। समान होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं, भिन्न होना आवश्यक नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान होना चाहिए। आइसोटोप समस्थानिक में परमाणु संख्या जो है वो समान होना चाहिए, और परमाणु संख्या को ही रासायनिक गुण बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल जो है रासायनिक गुण के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। परमाणु संख्या को ही रासायनिक गुण बोलते हैं, रासायनिक गुण के आधार पर ही परमाणु संख्या जो है होता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो उसमें जो से जो रेडियो सक्रिय जो कण होगा, समस्थानिक होगा हाइड्रोजन का, वो होता है ट्राइटियम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संभारकों में डैश होता है, तो संभारकों में आपको बताया कि संभारकों में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, संभारकों में जो है न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, और इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है, इसमें संभारक में द्रव्यमान संख्या अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या एक ही होता है। तो समान भार संख्या किंतु भिन्न परमाणुक संख्या, ये ऑप्शन नंबर 49 का ए नंबर ही सही हो जाएगा। विभिन्न भार संख्या तो होगा नहीं, समान भार परमाणु संख्या, समान भार परमाणु, समान भार तो होगा लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं होगा, ये दोनों समान बताया गया तो ये गलत हो जाएगा। विभिन्न भार तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, समान भार किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। इलेक्ट्रॉन डैश इलेक्ट्रॉनों का समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें समान होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिस भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। दो तत्व दिया हुआ है, कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40 है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं। तो जैसा कि बताया कि द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, तो ऐसे तत्वों को संभारिक बोलेंगे या आइसोबार इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभारिक। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर स्थित इलेक्ट्रॉन को डैश कहा जाता है। तो जो किसी परमाणु में उच्चतम ऊर्जा में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजकता प्रोटॉन्स, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, कक्षीय प्रोटॉन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है उच्चतम ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन होता है, और जो संयोजकता जैसे कार्बन जो है अपना बंधन बनाता है संयोजकता के कारण ही, संयोजकता इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा बनता है ना कि इलेक्ट्रॉन के त्याग से। तो जो है ये उच्चतम संयोजकता में इलेक्ट्रॉन का खोने के लिए बहुत ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, तत्व के समस्थानिक की संख्या पर, तत्व के द्रव्यमान संख्या पर, तत्व के न्यूट्रॉन की कुल संख्या पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्व के सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी से किसी तत्व का हमें गुण का पता चलता है। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है।
मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल, जे जे थॉमसन। तो रेडियो सक्रियता की जो खोज किया था वो हेनरी बेकरल ने, और रेडियम का जो खोज किया था वो मैरी क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता का यूनिट बताना है आपको, क्या होता है इसका इकाई, एंगस्ट्रम होता है, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडियो धर्मिता का जो यूनिट होता है वो क्यूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, आपको बताना है रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर, पॉलीरीमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडियो धर्मिता जो मापी जाती है वो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र को देखना चाहिए, यह आपको बताना है, रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। आपको बता दें कि रेडियो धर्मी वस्तुओं जो है ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, ये प्राकृतिक में नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे किस में रखना चाहिए, शीशा में। इसका ऑप्शन आंसर नंबर 57 का सी ए नंबर सही हो जाएगा। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है ये आपको बताना है। तो रेडियो धर्मी तत्व जो है पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा विकिरण का, रेडियो तरंगे का, औरक तरंगे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा किरणें का जो है रेडियो तरंगे उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है ये आपको बताना है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही सारा कण है एक्स किरण को छोड़कर, तो किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, याद रखिएगा जो बीटा किरण होता है उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में किसमें उत्सर्जन के संभारिक उत्पन्न करते हैं, आपको बताना है किसके उत्सर्जन के संभारिक उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बताना है आपको अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो सही आंसर हो जाएगा बीटा किरण। आज भर के लिए इतना था, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका पहला काम है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और लाइक शेयर वगैरह कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।